हरे कृष्णा, आज मैं और प्रेम रूपा करेंगे वृंदावन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंज। हम दोनों के पास है पांच भगवत गीता और आधे घंटे का समय। जो सबसे पहले अपनी पांच भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो जीत जाएगा, या फिर आधे घंटे में जिसकी सबसे ज्यादा भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी वो जीत जाएगा। और हारने वाला जीतने वाले को और पूरी टीम को कुछ बना के खिलाएगा। इस पूरे चैलेंज के कुछ रूल्स हैं। पहला, कोई भी भगवत गीता फ्री में नहीं देगा, जितना रेट है उसी पर देगा। रूल नंबर टू है कि आप एक व्यक्ति को एक ही भगवत गीता दे सकते हो, अगर आप उसे एक से ज्यादा भगवत गीता दोगे तो भी वो एक ही काउंट होगा। और थर्ड रूल है, कोई भी किसी की हेल्प नहीं लेगा। तो चलो शुरू करते हैं चैलेंज। तो प्रेम रूपा, हारने के लिए रेडी हो? जीतने के लिए रेडी हूँ। अच्छा, 3, 2, 1 गो। ओ गॉड, कहा जाऊं? हरे कृष्णा माता जी, भगवत गीता माता जी, आज एक अच्छी का दिन है, एक अच्छी का। हरे कृष्णा, आप वृंदावन में नए हैं? ये आपके लिए श्रीमद् भगवत गीता है हिंदी में हमारी तरफ से। आपका शुभ नाम आकाश, ठीक है? तो ये आपके लिए श्रीमद् भगवत गीता, इसका प्रिंटिंग कॉस्ट 200, आप ये लेना चाहेंगे? देखो, एकादशी के दिन पता है अगर आप भगवत गीता लेते हो या फिर अगर पढ़ते हो तो बहुत बहुत अच्छा हो। पढ़ने का टाइम भी तो होना चाहिए। अरे भैया, देने से भी उनके जीवन में भी खुशहाली आती है। नहीं लेना चली, कोई बात नहीं। भगवत गीता, भगवत गीता नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भगवत गीता। भाई भाई, तू ले ले यार, मम्मी को पढ़ाइयो। हरे कृष्णा, ये आपके लिए श्रीमद् भगवत गीता है हिंदी में, आप लेना चाहेंगे? मैं सोच कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। भागवत करते हैं पापा, भागवत करते हैं। हाँ। तो अच्छा, किसी को दान दे दे, आज एकादशी का दिन है। हमारे पास है, आती है इसका पापा, मारा वृंदावन के लिए, हम बाहर के नहीं आए। अरे भैया, अरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, ये श्रीमद् भगवत गीता है हिंदी में और आज एकादशी का दिन है और इसीलिए हम लोग सबको भगवत गीता दे रहे हैं। You already have भगवत गीता? Okay, that's perfect. But you know, today is Ekadashi, so you can donate it to someone. Because today is a perfect day, you know. Definitely. आप इसे रखिए। मैं इसको रखने लायक नहीं हूँ वैसे। आप ऐसा सो, हम में से कोई लायक नहीं, लेकिन भगवान की इतनी कृपा है कि उन्होंने ये सब कुछ बोला और ये हम लोगों के लिए है, दी है भगवत गीता। मेरे काम धंधे ही ऐसे है कि मैं ना चाहकर भी है ना, मेरे से गलत हो ही जाता। कोई बात नहीं, हम सभी बहुत अपराध करते हैं, हम सभी, हमने तिलक लगाए हुए लेकिन हमसे भी कितने अपराध होते हैं, लेकिन भगवान इतने क्षमाशील है ना, भगवान बहुत दयालु है ना। वृंदावन धाम में, सोचिए अगर आप इतने पापी होते तो आप वृंदावन धाम में कभी कदम भी नहीं रख पाते, ये सोच कर देखिए आप। मेरे साथ भी ऐसे ही था, मैं भी आपकी ही तरह ऐसी ही जगह पर खड़ी थी, लेकिन मुझे भगवान ने इतना इंस्पायर किया कि उन्होंने मुझे ये दिया। एग्जैक्टली, और इसीलिए शायद भगवान आपको एक और मौका दे रहे हैं आपके जीवन में, एक कृपा बरसा रहे हैं। तो ये आपके लिए श्रीमद् भगवत गीता है, आप रखिए, आपके जीवन में बहुत चेंज आएगा। ये इसका प्रिंटिंग कॉस्ट 200 रुपीज है प्रभु जी, 200 रुपए है। कैश तो बिल्कुल नहीं, आप पेटीएम कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, आप कर सकते हैं 78, फोन पे नहीं है। रे यार, तो ले ही नहीं रहे यार। अरे पढ़ना नहीं है आपको, डोनेट करना आज, आप दान भी दोगे ना भगवत गीता तो बहुत बहुत। भैया भगवत गीता, आप पुलिस में हो ना, आप स्कैन कर सकते हैं, भगवान की कृपा रही तो सब अच्छा होगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप ये स्कैन कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, सब कुछ अच्छा होगा, भगवान से आपके लिए प्रे करेंगे एकादशी का दिन। हरे कृष्णा। तो आज आप लेके, अभी लेके किसी को दान कर दो, पुलिस में अपने किसी फ्रेंड को, क्रिमिनल्स भी अच्छे से कैच कर पाओगे आप, क्योंकि उससे पता है क्या, भगवत गीता हमें इंटेलिजेंस देती है। अंकल, अंकल भगवत गीता अंकल ले लो। गॉड, वो देखो पहले से ही रास्ता मुझे देखते ही इधर आ गए। हरे कृष्णा भगवत गीता, भगवत गीता। हरे कृष्णा प्रभु जी। वीडियो देखा था, देखा है? अरे वाह, हाँ जी, तो जी आपके लिए भगवत गीता है। ये मैंने दो ले रखी है। आपने किसी को दिया कभी गिफ्ट में? आज एकादशी के दिन और गीता जयंती भी आने वाली है 3 दिसंबर को है, तो ये बहुत ही अच्छा दिन है। अगर आपके पास खुद है तो आप दूसरों को भी गिफ्ट दो, इससे बहुत बहुत फायदेमंद रहता है ये। हाँ, लेकिन वो पढ़ते नहीं, ऐसा है कि उनकी फिलोसफी समझ में नहीं आई उनको। लेकिन एक बार अगर वो एक भी टाइम पढ़ेंगे ना, बहुत चेंज आएगा उन्हें, पता नहीं कभी आप सोचो किसी दिक्कत के समय पर हो या फिर डिप्रेशन में हो, कुछ नहीं, इंसान अगर कुछ ऐसे सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, एक बार उसकी नजर पड़ भी गई भगवत गीता पे तो एकदम से उसको लगता है मैं पढ़ के तो देख लूं, शायद उसका जीवन बदल जाए। भगवत गीता, हरे कृष्णा जी, भगवत गीता, लड्डू गोपाल आपने। गॉड, ओके ओके, क्या करना चाहिए मुझे, क्या करना चाहिए, कुछ तो सोचना पड़ेगा, एक मिनट मैं बोलता हूँ उन्हें, क्या स्ट्रैटेजी बनाऊं यार मैं। हरे कृष्णा माता जी, भगवत गीता, भैया भगवत गीता, भैया कोई बात नहीं, आज आप दान दे सकते हो, आज एकादशी का दिन है, बहुत बहुत अच्छा दिन है आज। यार किसी का एक्सक्यूज ये नहाए धोए नहीं है, टच नहीं कर सकते, मतलब जो मुझे नहीं जानता, जो मुझे नहीं जानता उसको नहीं है ये। हरे कृष्णा, श्रीमद् भगवत गीता है, ये भगवान का मैसेज है, आज एकादशी के दिन हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये आपके लिए, ये इसका प्रिंटिंग कॉस्ट 200 रुपीज है, तो
आपका व्हाट्सएप नंबर। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? व्हाट्सएप आपको ये लेना पड़ेगा, भगवत गीता तो अभी मिलेगा। दो है मेरे पास, आपका ही दिया हुआ दो है। हरे कृष्णा श्रीमद् भगवत गीता है आपके लिए, पढ़ेंगे इसको? पढ़ेंगे ना। हरे कृष्णा श्रीमद् भगवत गीता है ये आपके लिए। आज एकादशी का दिन है इसलिए हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सबको, और गीता जयंती भी आने वाली है, बहुत ही शुभ दिन है। इसको रखने से आपके जीवन में खुशहाली तो 100% आएगी, और साथ में जो आपके लोग रहेंगे उनमें भी पॉजिटिविटी आएगा। प्राइस क्या है इसका? 200 है इसका प्रिंटिंग कॉस्ट है, अगर आप दे सके तो। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं आपसे बात कर सकता हूँ थोड़ी सी देर के लिए? नहीं नहीं, आप ऐसा मत सोचो कि मैं कुछ बेच रहा हूँ। कुछ नहीं बेच, एक मिनट बात तो कर लो, बस एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। मैं तो चलिए शुरू करते हैं। इस पर्पज से कर रहा हूँ कि मुझे भगवद गीता आपको देनी है, क्योंकि आज एकादशी का दिन है, मैरिज फंक्शन है जी, उसके लिए आया हुआ है। हाँ तो आप भगवत गीता लीजिए, और मैरिज में जो कपल है उनको भगवत गीता गिफ्ट करिए, ये सबसे बेस्ट गिफ्ट है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को भगवत गीता गिफ्ट की थी। वाह क्या सीन है, लगेगी ना तो हम जरूर लेंगे। इसकी जरूरत हमेशा है माता जी, ये बात 200 की नहीं है, बात है इस ज्ञान की, इस दिव्य ज्ञान की जो हमको मिला, तो आप एक बार। सही में इसकी जरूरत हमें रोज पड़ती है। राधे राधे। 200 आप लीजिए पहले। हाँ इस पे आप पेटीएम कर सकते हैं आप, ठीक है ये लीजिए, और व्हाट्सएप नंबर लिखिए 78, ठीक है। राधे राधे, अभी मेरे को और गीता देना है ना, मैंने अपने प्रभु जी का व्हाट्सएप नंबर दिया है। हाँ ले तो लूं, लेकिन सामने वाले को उसकी कदर भी तो होनी चाहिए। कोई आपने उसको दिया, उसको मतलब 1% आप 200 की कुछ नहीं है, तो एक ले लो प्रभु जी। थैंक यू सो मच, आप पहले मिले हो। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, ये आज एकादशी का दिन है, हम लोग श्रीमद् भगवत गीता सबको दे रहे हैं, तो ये हरे कृष्णा। सॉरी आपका फोटो थोड़ा इंटरप्ट कर रहे हैं। ओके ये प्रभु जी को पकड़ता हूँ। प्रभु जी भगवत गीता आप लीजिए, श्रीमद् भगवत गीता, आपका लाइफ एकदम चेंज हो जाएगा इससे। आपने पढ़ी है गीता? आप एक बार, आप कहाँ से आयो? दिल्ली से आयो आप? आप कहाँ से हैं? अयोध्या। जय श्री राम। अगर आप आज भगवत गीता लेकर किसी को दान करोगे तो आपको और बेनिफिट मिलेगा। करिए एक बार खुद। बढ़ते दोस्त खुले नहीं है मेरे पास। हाँ खुले खुले दे दूँ। अब आप कृष्ण की नगरी में आए तो फिर आप श्रीमद् भगवत गीता भी लीजिए, पढ़िए। हाँ पढ़ेंगे तो पढ़िए। अरे नहीं है ना। तो फिर पढ़िए। अच्छा पढ़ नहीं पढ़ पाए, किसी को दे भी सकते हैं आप। अरे हाई नहीं मेरे पास। दे दे दे। अरे माता जी दे दो प्लीज। अरे नहीं है। मुझे सारे पैसे। माता जी प्लीज दे दीजिए। नहीं सच। कोई बात नहीं, मैं आपको खुले दे दूंगा। मैं आपको प्रभु जी, आपके पास नहीं है, आपके पास अभी कुछ भी नहीं है पास। अरे यार ऑलमोस्ट हो गया था, वो वाइफ नहीं मानी। वुमेन। हरे कृष्णा। राधे राधे। श्रीमद् भगवत गीता आपने तो तुलसी माला पहनी है आप, बिल्कुल। अभी तक 3 गया है, अभी कर रहे हैं। करनाल से आए हैं तो आप वहां पे करनाल में ले जा सकते हैं, वैसे भी जाटों में भक्त बहुत कम होते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। बहुत डिफिकल्ट हो रहा है यार, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। हाँ अरे ये तो लेने वाले लग नहीं रहे हैं तो। अरे कृष्णा भैया बस एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन करनी है मुझे। 10 मिनट में 3? वाओ पता नहीं प्रभु जी ने कितना किया होगा। हरिद्वार से आयो भैया, आज एकादशी का दिन है, क्योंकि आज के दिन बहुत बहुत बेनिफिट है। आपको कोई आइडिया नहीं है कितना स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलेगा आज के दिन। सुबह एकादशी है। हाँ और अभी गीता जयंती भी आ रही है। 200 का सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक पीस और दे। हाँ एक और लेकिन मैं इनको दे सकता हूँ ये पीस। इनको दे सकता हूँ मैं ये पीस, ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति को हम एक ही देते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हाँ अरे ये तो लेने वाले लग नहीं रहे हैं तो। कहाँ हैं सब? दो बची हैं, तीन गई, दो बची हैं। हरे कृष्णा। है तो आप किसी को दे भी सकते हैं, क्योंकि गीता जयंती आ रही है 3 दिसंबर को। हमारे पास ऑलरेडी है, हम जब भी आते हैं लेके जाते हैं। हाँ आप किसी को दे भी सकते हो, गिफ्ट भी कर सकते हो, जैसे नया साल आ रहा है। किसको दे रहे? हम भी ऐसे ही सोचते थे, लेकिन क्या पता आपको आप सामने कोई व्यक्ति आ जाए जिसका फोटो। आप बिल्कुल चैलेंज हरवाएंगे, पता है हमको भगवत गीता सबको डिस्ट्रीब्यूट करनी है आधे घंटे में 5, ठीक है। राधे राधे। ओके 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 ओके। एक मिनट, भगवत गीता तो निकालू मैं।
हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी एक मिनट सुनिए बस थोड़ा सा मैं ज्यादा मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ चिपटने वाला नहीं हूँ आप टेंशन मत लीजिए देखो हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ आप नहीं नहीं कोई नहीं आएगा मुझे पता है वापस आप मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल मैं बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहा हूँ जी कोई दिक्कत नहीं होगी आप एक बार बस सुन लीजिए आज एक अच्छी कथा हरे कृष्णा ये श्रीमद् भगवद गीता हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आज एकादशी के दिन आप गिफ्ट भी कर सकते हो किसी को हरे कृष्णा आज एकादशी इसलिए हम लोग श्रीमद् भगवद गीता सबको दे रहे हैं आप एक बार इसको पढ़ के देखिए बहुत अच्छा किताब है हम लोग वहां चलते हैं चलो यहाँ पर सब कुछ खाली खाली है दो सौ की 200 की सर आप ले लीजिए भगवद गीता हम किस लिए जी रहे हैं जीवन वो सब सही है। हम बताओ ना किस लिए जी रहे हैं जीवन भागवत बॉडी में सिर्फ एक भगवद गीता से इतना इतना आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलेगा आप मेरे विश्वास करिए हरे कृष्णा भैया रखा हुआ है कोई बात नहीं आप दान दे सकते हैं आज एकादशी के दिन है रखा हुआ है तो आज सबसे बड़ा दिन है आपको इतना स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलेगा आप तीन 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 दो रह रहा है दो रहता है दो रहता है हरे कृष्णा आज एकादशी इसलिए हम लोग श्रीमद् भगवद गीता सबको दे रहे हैं आप प्लीज आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो लेकिन लेकर गिफ्ट करने के लिए लिया है ठीक है ठीक है ठीक है हरे कृष्णा आपका थोड़ा सा समय लेंगे आज एकादशी है तुम श्रीमद् भगवद गीता दे रहे हैं हरे कृष्णा वृंदावन धाम में आपका स्वागत है हम लोग श्रीमद् भगवद गीता दे रहे हैं सबको आज एकादशी के दिन चार है वाओ ग्रेट आप एक और ले सकते हो डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो हाय मैं ऑलरेडी इस्कॉन टेंपल के साथ जय जय श्री राधे श्याम हरे कृष्णा वृंदावन धाम में आपका स्वागत है ये श्रीमद् भगवद गीता हम सबको दे रहे हैं ले लिया हरे कृष्णा भैया एक सेकंड बस मुझे पता है आपको भागने की पड़ रही है मुझे देखते भैया भगवद गीता आप ले लीजिए आज एकादशी का दिन नहीं नहीं अरे तो सीधा मना करते हैं यार हरे कृष्ण माता जी भगवद गीता माता जी आज एकादशी का दिन है बहुत अच्छा दिन है आज के दिन अगर आप दान भी करेंगे ना एक भगवद गीता तो बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको पता है इसमें आपके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं अच्छा ठीक है सॉरी भैया सॉरी करना नहीं चाहिए ठीक है ठीक आप दूसरों को देने के लिए कर सकते हो हमको सभी ये बोलते हैं लेकिन हरे कृष्णा ये आज हम तो आप ये कुछ नहीं हो रहा सब कहते हैं कोई लेता ही नहीं है पढ़ना ही नहीं है किसी को इंटरेस्टेड नहीं है धाम में आकर भी इंटरेस्टेड नहीं है एनर्जी डाउन हो रहा है मेरा तो अरे कृष्णा भैया आप एक बार मेरा बात सुन लो आप एक बार मेरा बात सुन लो आप उनके साथ हो तो आप नहीं लेंगे बिल्कुल जो प्रिंटेड प्राइस है सिर्फ वही है इसका और कुछ नहीं है आप प्लीज ले लीजिए हरे कृष्णा ये श्रीमद् भगवद गीता है आज एकादशी का दिन है तो हम सबको दे रहे हैं तो राधे राधे आज एकादशी का दिन है इसलिए हम सबको श्रीमद् भगवद गीता दे रहे हैं तो आप प्लीज इसको लेंगे इग्नोर ऑन द फेस ह्यूमिलिटी बढ़ाता है ये चीज ये तो है अरे यार आप सभी लोग दिल्ली से हैं दिल्ली से आप एक बार बस मेरी बात सुन लीजिए मुझे पता है आप लोग सोच रहे हैं कौन सी पड़ गया वृंदावन में राधे राधे सर आपके पास श्रीमद् भगवद गीता है राधे राधे ये श्रीमद् भगवद गीता है एकादशी के दिन हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो फिर आप लेंगे इस साइड मेरा लग खराब है वापस उस साइड जा रही हूँ मैं यहाँ पर कोई लेता ही नहीं है थोड़ा सा इधर राजी मेरे से तो आप प्लीज एक बार सुनिए आप अगर एकादशी के दिन वृंदावन में घूमने आए ना ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी आपके ऊपर कोई सुकृति है कोई कृपा है जो आपने धाम में कदम रखे हैं ऑलरेडी है हमारे पास कोई बात नहीं तो मैं इसलिए कह रहा हूँ दान करिए गाजियाबाद से हम मेरठ से एक्चुअली लेकिन हम धाम में रह रहे हैं तो मैंने आपके हाथ में लड्डू गोपाल देखे तो ये आपके लिए श्रीमद् भगवद गीता है आप इसको पढ़िए और आपके जीवन में जरूर चेंज आएगा आपने पढ़ी है भगवद गीता कभी नहीं 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 पैसे नहीं चाहिए भगवद गीता लेनी होगी हम किसको दान करेंगे आप अरे अपने फ्रेंड को दे सकते हैं अपने गिफ्ट दे सकते हैं आप कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में जितने भी स्ट्रेस है ना जितने भी एंजाइटी है प्रॉब्लम्स है आप अगर ऐसा फेस कर रहे हैं कि अच्छा तो आपने कभी किसी को गिफ्ट दिया है क्योंकि ना हाँ गिफ्ट हाँ शादी में दिया है एक बार ठीक है तो अभी ना गीता जयंती आने वाली है और साथ में नया साल भी आ रहा है तो आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो अगर आपके पास है तो आप अपने किसी प्रियजन को दे सकते हो ये कि भाई ये तो कुछ हो ही नहीं सकता यू नो लाइफ में थैंक यू सो मच भैया थैंक यू सो मच दान की एक्चुअली कभी पता है सीमा नहीं होती हम जितना देंगे ना उतना अच्छा रहता है और भगवान हमें उतना ही देते हैं तो फिर आप एक बार देख के तो देखिए ठीक है कोई बात नहीं
कितना टाइम रह गया मेरे पास? लास्ट बची है, लास्ट चार हो चुकी है। टाइम कितना हो रहा है? 16 मिनट में 3 बुक्स, अब 2 निकालनी है। क्या करें, कैसे दें, हे भगवान। प्रभु जी कह रहे थे ना आप नहीं होंगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे। राधे राधे मैया, ये श्रीमद् भगवत गीता आज एकादशी का दिन है ना, तो फिर हम सबको श्रीमद् भगवत गीता दे रहे हैं। तो फिर आपके, आपने पढ़ी है भगवत गीता? एज ए यूथ हमको ये सब पढ़ना चाहिए। लाइक अगर हम ऑफिस भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो हम लोग सारी चीजें करते हैं, तो अगर हमने भगवत गीता भी पढ़ ली अपने जीवन में, तो मेरा आपसे निवेदन है आज जोड़ के कि आप ये भगवत गीता लें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। आप किसी को दे भी सकते हो? ना, हमारे पास है। आपके पास श्रीमद् भगवत गीता है? नहीं है, गुड, आप ले सकते हैं फिर इसको। ये वाला भगवत गीता काउंट नहीं होगा रूल्स के मुताबिक। हमको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम मुंबई के गलियों में, एक मिनट, गांधी गली, मलाड, सब जगह पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। एक्चुअली थक गई मैं। ये आपके चोट लगी है, देखो आप, ये चोट वगैरह ना ये सब कंटिन्यू रहेगी इस भौतिक जगत में। चोट हो, दर्द हो, बीमारी हो, स्ट्रेस हो, आप, अरे मैं समझ रहा हूँ। अच्छा ठीक है भैया, सॉरी, आप इरिटेट मत हो, सॉरी। मुझे लगता नहीं है, बट मैं ट्राई करती हूँ। प्रभु जी मैं तो दुबई से आया हूँ। दुबई से आप? तो डिवोटी, आप तो कंटी पहनते हो भैया। एक कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट क्यों हो रहा है, इसको नहीं बांट सकता मैं? नहीं 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 नहीं, लेना मतलब नहीं। प्रेम रूपा माता जी के पास जा रहा हूँ। राधे राधे, आप लोग वृंदावन में पहली बार आए हो, तो आपके लिए आज एकादशी है, तो ये श्रीमद् भगवत गीता है। आप लोगों ने पढ़ी है श्रीमद् भगवत गीता? बुक ने मेरा जीवन बदल दिया, सीरियसली। इस बुक ने मेरे को जो पढ़ाई में इतनी ज्यादा हेल्प करी है। और आज एकादशी वैसे ही है, यू नो। क्या हो गया? मेरे को ऐसी सुन गया। इतना बोला, कोई सुनता ही नहीं। है तो है, दान दो, किसको दे रहे? बस और ले लो। आपने कहा? आज एकादशी है, तो हम लोग सबको श्रीमद् भगवत गीता दे रहे हैं, तो ये भगवत गीता आपके लिए है। आप कहाँ से हो? आपने पढ़ी वैसे? नहीं, ऑनलाइन पढ़ी है थोड़ी। इसको पढ़ के आपके जीवन में बहुत ज्यादा चेंज आएगा। आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं पर तो पढ़ लो, कहीं घूमने जा रहे हो तो पढ़ लो। हिंदी में? हाँ हिंदी में है, क्यों ना, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद राधे राधे, ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। हरे कृष्णा। ओके, सो अभी 9 मिनट रहते हैं, देखते हैं क्या होता है। 4 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं, एक रहती है, नित्यानंद प्रभु की कृपा रही तो ये भी हो जाएगा संभव। लेट्स सी। हरे कृष्णा भैया। भैया आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। आपका फेस ना एकदम साउथ इंडियन एक्टर है, अल्लू अर्जुन, उसे बहुत मैच करता है। भैया सच में बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आपके, एकदम बाल मुझे एक हीरो की याद दिला रहे हैं। मेरी कोई ऐसी ट्रिक नहीं थी, मैंने आपको दूर से देखा तो मुझे एकदम ऐसा लगा। तो ये श्रीमद् भगवत गीता जो हम एकादशी के दिन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक सेकंड, मुझे पता है आपको भागने की पड़ रही है, आपको लग रहा है कौन सी पड़ गया है मेरे से। एक मिनट भैया, बस एक सेकंड सुन तो लो, आप सुन तो लो। और मैं जैसा कि देख सकती हूँ आप बहुत बहुत भगवान कोश, भगवान शिव जी को मानते, तो उसमें इस ठाकुर जी के बारे में, उनके संबंध के बारे में भी है। कभी सुना नहीं होगा लेकिन है, आप इसे पढ़ के देखिए, आपका जीवन सच में बहुत चेंज होगा। भैया देखो, आज आप वृंदावन में आए हो, है ना, वृंदावन में आए हो, किस लिए आए हो? दर्शन करने ठाकुर जी के, है ना, तो मतलब कि इसका मतलब आपको स्पिरिचुअल लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट है ना। एक मिनट सुनो भैया, अरे भैया भागो मत यार। बहुत अच्छी बात है, आप कभी आप दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूट। हे हिम्मत, हे हिम्मत। तो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। राधे 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 राधे। क्या करूं यार, श्लोक पारना शुरू करता हूं मैं, लास्ट भगवत गीता है, परेशान हो गया यार। अंकल मात्र स्पर्श स्तु कौन थे, शीतोष्णा सुख दुखदा अगम पाइनो अनित्य स्तम दीक्षा से भारत। आप सोच रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मिनट सुनो तो सही अंकल, मुझे पता आपको भागने की पड़ रही है। नहीं, श्लोक काम नहीं कर रहे मेरे साथ, मेरे जीवन में ऐसा हुआ, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ, सब कुछ अपना सब छोड़ के। दाता देगा तो जरूर करेंगे। क्या करते हैं, क्या है बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स? मैंने ऐसे ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में सुना है जो पूरे पूरे सेट बांट देते हैं। भाई साहब पूरा ईगो वगैरह साइड में रखना पड़ता है। एक सेकंड आपसे एक बार सुन के तो देखिए, वृंदावन में आपने कदम रखा है ना, आज के दिन आज एक अच्छी का दिन है। कल रखा था भैया कदम। कोई बात नहीं, तो आज भी तो है ना वृंदावन में, आज भी तो रख रहे हैं अगर आपको। अरे भैया राधे राधे। हरे कृष्णा। अंकल एक मिनट, सॉरी जल्दी है जाना। हाँ पर इसीलिए जल्दी से भगवद गीता ले लीजिए अगर आपको जल्दी है तो।
भैया भगवत गीता ले लीजिए आज। अरे कृष्ण अंकल बस एक मिनट चाहिए, मुझे पता आपको भागने की पड़ रही है, मुझे देखते ही आपने सोचा है कौन सी पड़ गया। जानने वाले सबके पास है। कोई बात नहीं। अरे भाई, अरे भैया, प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को भगवत गीता दी थी, आपको पता है ना। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। बिल्कुल सात मिनट हो गए, आप इसको पढ़िए। टाइम नहीं है जीवन में, खाने के लिए टाइम है, पीने के लिए टाइम है, भगवत गीता के लिए टाइम नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं चैलेंज हारने वाली हूँ, कितना टाइम है मेरे पास। क्या बोलूं भाई, कितना टाइम रहा है, कितना हुआ। सो मेरे अभी 5 मिनट बाकी हैं और मेरी एक बुक मुझे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। हे भगवान मेरी मदद करो। भैया भैया भगवत गीता, भैया मुझे करना क्या है बताओ। आप भगवत गीता मेरे पास है। राधे राधे, वृंदावन धाम में आज एकादशी है, कर सकते हो उसे लेके। उनके पास सबके पास। अच्छा सबके पास है, राधे राधे। आप लोग दिल्ली से आयो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल कुछ भी नहीं है आपके पास, जिसमें आप कपड़े तो अपने लेकर आयोगे, एक ही दिन के लिए आयो, एक ही दिन के लिए आए हैं आप। आपके पास आपको बैग कुछ पॉकेट नहीं है। मैं आपको एक बैग दे सकती हूँ, मेरे पास है, अगर मैं आपको बैग दूँ आप उसमें लेके जाओगे। इसका प्रिंटिंग कॉस्ट 200 रुपीज है प्रभु, जब मंदिर में जाएगी वो सेवा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, कोई बात नहीं। अच्छा आप दान कर सकते हो। हो गया, 4 हुई है मेरे से। मैं भी पढ़े अभी, आपके 3 मिनट बाकी है। घर में आप किसी को दे सकते हो, नया साल आ रहा है तो एक बहुत ही यूनिक गिफ्ट रहेगा सबको देने के लिए। फैमिली से गिफ्ट ही मिला। अच्छा ठीक है, 2 मिनट रहते हैं। राधे राधे, ये श्रीमद् भगवत गीता आज एकादशी का दिन है तो इसलिए हम सबको दे रहे हैं। माता जी आप आए हैं, आप कहाँ से आए हैं? मुंबई से आए हैं। अरे वाह क्या बात है, तो फिर ये लीजिए, बहुत बहुत फायदा है इसका लेने का, आपको पता ही होगा। तो आज आप भगवत गीता लेकर दान कर दीजिए। मेरा दिमाग एकदम घूम चुका है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे पास एक मेरा सर दर्द हो गया। आज एकादशी वैसे ही है, सबको श्रीमद्। आज आप एक मिनट सुनेंगे, ही लिटरली सेड नहीं। हो गया मेरा टाइम अब, शूट कर रहे हैं तो फिर राधे राधे, आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं क्योंकि एकादशी का दिन है, तो फिर इसीलिए आपके लिए ये, आप प्लीज इसको लें और पढ़ें और आपके जीवन में बहुत बहुत बदलाव आएगा। हाँ मैं ये ले रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। बड़ी वाली ले ली है मैंने, अब तो है छोटा। हाँ हाँ सबके सबको जवाब है, छोटे हैं। सच में मेरे जीवन में खुद एक बदलाव आया है, तो इसीलिए फिर मैं आपको भी ये देना चाहूंगी। और ये बहुत मतलब लाइफ में ना, जो भी हम सोचते हैं 5000 साल पुरानी बुक है, लेकिन इसमें एक्चुअली में लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन इसमें है, और ये मैंने खुद अपने जीवन में ऑब्जर्व किया है। थैंक यू माता जी, थैंक यू माता जी, थैंक यू। Yes! Oh, हो गया! Yes! Yes! खाली खाली! Oh, भैया सोच रहे हैं क्या हो गया मुझे? भैया आप नहीं समझोगे ये खुशी। तो इसीलिए फिर ये आपके लिए। ठीक है, लेकिन प्रभु जी इसका प्रिंटिंग कॉस्ट इसका 200 रुपीज है, तो फिर अगर आप आज कुछ देंगे, एकादशी का दिन है तो दान पुण्य का बहुत महत्व है आज के दिन, तो जो भी होगा वो सेवा मंदिर में जाएगा। राधे राधे। 5 books in half an hour done. Half an hour हो गया, half an hour क्या? 5 books done, ये. रुको। अभी result बाकी है और एक twist भी। तो मैंने 30 मिनट में 5 भगवद्गीता distribute कर दी थी। 30 नहीं, 31. नहीं, actually 30वें मिनट पे मैंने उनको हाथ में दे दी थी, तो वो मानी जाएगी। और मैंने की है 29 मिनट में 6. लेकिन एक आकाश प्रभु ने हेल्प कराई थी तो वो नहीं मानी जाएगी। चलो ठीक है, वो भी काट दो, तो भी 29 मिनट में 5 एंड आई एम द विनर। ये रुको ठहरो, ये देखो माधु जी आप ना मुझे 100 रुपए बाद में दे देना, बाद में मुंबई पहुंच के दे देना आप। सो दो ठीक है, ठीक है माधु जी आप 100 रुपए दे दीजिए, 100 रुपए दे दीजिए, बस कैमरे में बोल दीजिए 100 रुपए में, चाहे हाँ सॉरी आपको देने नहीं है, आप बस बोल दीजिए कैमरे में कि मैं 100 रुपए मुंबई जाके दे दूंगी। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। हाँ जी मैं मुंबई में जाके 100 रुपए दे दूंगी। अरे वो माता जी मुंबई से आई थी इतनी दूर से, वो भगवत गीता देना इम्पोर्टेंट है, ये भी तो सोचो भगवान भाव देखते हैं। अब एक्सक्यूजेस मत दो, रूल नंबर 1 याद करो जरा। क्या था?
पहला कोई भी भगवत गीता फ्री में नहीं देगा, जितना रेट है उसी पर देगा। तो इस हिसाब से विनर हुई मैं। तो प्रभु जी शर्त के मुताबिक आप सबको प्रसादम बना के खिलाएंगे। नींबू पानी मिलेगा प्रसाद बस। ओके तो जोक्स अपार्ट, इस वीडियो को बनाने का हमारा मेन इंटेंशन ये था कि गीता जयंती आने वाली है तो हम अपना छोटा सा, बहुत ही छोटा सा कंट्रीब्यूशन इसमें देना चाहते थे और हम चाहते हैं कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर सबका उत्साह बढ़े। एंड एक्चुअली वे ये भी बताना चाहते थे कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप में कितनी बड़ी सेवा है एंड इट इज नॉट एट ऑल इजी एज इट लुक्स लाइक। जो भी डिवोटी सेल्फलेसली इस बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा को कर रहे हैं, सैल्यूट है उन्हें हमारा, और ये हमें श्रील प्रभुपाद जी की इतनी महान सर्विस की भी याद दिलाता है। एंड जब भी आप पहली बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाएं तो आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि आपको बहुत टॉलरेंट रहना है। साथ ही साथ अगर आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त चैंट करते रहेंगे तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा टॉलरेंट रहने में, पेशेंट रहने में, और जैसी भी सिचुएशन है, जैसे भी फेलियर्स आप फेस कर रहे हैं, उन्हें अच्छे से फेस करने में। And life में एक बार book distribution तो जरूर करें। It is a very purifying process. Yes. And अब जो भी हो, with और without camera, हम आगे book distribution करने की जरूर कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, भक्ति हृदय को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ऐसे और भी चैलेंजिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट करें हम अगला चैलेंज क्या करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है और आप हमारे मीनिंगफुल स्पिरिचुअल मैसेजेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और इस चेंज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें सपोर्ट करें। आप हमारी वीडियोस और इक्विपमेंट्स को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सी यू नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्णा।